हाय गाइस, राजनीति शास्त्र के लेक्चर 4 में मैं आप लोगों को टॉप 25 क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ, जो कि सारे एग्जाम्स में रेलवे से लेकर एसएससी तक जितने भी एग्जाम्स होते हैं, UP SSC या जो भी हो, सारे एग्जाम्स में ये राजनीति शास्त्र के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि वो 25 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेक्चर 4 शुरू करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि लेक्चर 3 में 11वीं अनुसूची तक का क्वेश्चंस हो चुका था, और इसमें 12वीं अनुसूची से मैं जो शुरू करता हूँ, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। और 12वीं अनुसूची को संविधान से कब जोड़ा गया था, तो 74वें संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे, और इसे 74वें संविधान संशोधन के तहत तो 1993 में जोड़ा गया। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है भाग 1। भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से 3 तक में है, और जिसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और इसके बाद है भाग 2। भाग 2 कहाँ तक है, तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है, जिसमें नागरिकता से संबंधित दिया गया है, संबंधित है जो कि। और इसके बाद जो है कि आप लोग एक बात तो कहीं ध्यान दें कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है और मूल अधिकार से संबंधित है जो कि। और भाग 3 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। और इसके बाद जो है मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है 107 जो नंबर का है, ये मूल अधिकारों का विकास सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। मूल अधिकारों का विकास सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ, जब 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन को ब्रिटिश की जनता ने प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता देने के लिए मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षरित करने के लिए बाध्य कर दिया था। आइए अगला देखते हैं जो क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वोट डिस्पैच को कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, तो वोट डिस्पैच को कहा गया है। अगला जो है क्वेश्चन वो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद में होता है, कितने अनुच्छेद में मिलता है, तो वो अनुच्छेद 14 से 18 तक का। और इसी में है अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार से है, जिसमें राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा, और समान कानून बनाने से संबंधित है इसी में अनुच्छेद 14 में। इसमें और भी ये हो जाता है कि विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के सामने सभी बराबर है, यह शब्द ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। और इसी में एक चीज ये भी है कि विधियों का समान संरक्षण भी होता है, जिसे कानून लागू करने में सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करेगा, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसके बाद जो है अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 से संबंधित है। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे बहुत सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं ये अक्सर। इसके बाद जो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होती है, ये यानी कि लोक नियोजन के विषय में
अवसर की क्षमता मतलब कि सरकारी पदों की प्राप्ति में अवसर की क्षमता यानी नौकरी करने के लिए सभी को बराबर अवसर प्रदान किया जाएगा। और इसके बाद जो है अनुच्छेद 17 में है कि अस्पृश्यता का अंत है, मतलब कि छुआछूत का अंत है इसमें। और छुआछूत या अस्पृश्यता को हटाने के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 14, अरे सॉरी अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है, मतलब सेना और विधा संबंधी सम्मान के लिए, सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। और भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति के अनुमति के बिना किसी अन्य देश से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और अगर आप लोगों को ये सारे PDF चाहिए तो आप लोग इस लिंक पर जाइएगा, यहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे मेरे जितने भी वीडियोज हैं। और आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल संविधान से 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, मतलब कि अनुच्छेद 19 में जो है की है वो स्वतंत्रता से रिलेटेड है और इसमें 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। जब ये अनुच्छेद बना, जिस समय संविधान बना था उस समय अनुच्छेद 19 में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन यह सिर्फ अब 6 तरह की स्वतंत्रता हो गया है। इसमें 19F जो कि संपत्ति का अधिकार था उसे हटा लिया गया है यहाँ से, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था ये संपत्ति का अधिकार को। और इसके बाद था अगला कि इसी में जैसे अनुच्छेद 19 में और भी हैं ABCD करके, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। उसमें अनुच्छेद 19A में जो है बोलने की स्वतंत्रता होती है और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी है। इसके बाद अनुच्छेद 19B में शांति पूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन और सभा की स्वतंत्रता है। और 19C में है संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है और 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। 19E में देश के क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता है। और 19E का अपवाद है जो वो है जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था भारत के अन्य राज्यों से अलग है, इसके बारे में वो 370 में प्रावधान है। और 19F जानते हैं कि ये हटा दिया गया है, जिसमें संपत्ति का अधिकार था इसे 44वां संशोधन के तहत हटा दिया गया था। और 19G है व्यापार एवं जीविका चलाने का अधिकार है। और इसके बाद देखिए अनुच्छेद 20 जो आता है, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता में क्या क्या है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी। और इसके बाद दूसरा और तीसरा क्या है, दूसरा ये है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी। और उसके बाद तीसरा जो है कि किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 21 में जो अगला है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में मतलब जीवन जीने और शारीरिक रूप से स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा गया है। किसी व्यक्ति के प्राण को सिर्फ विधि यानी कि कानून के द्वारा ही लिया जा सकेगा और किसी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी व्यक्ति का जीवन ले ले। जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। और यह अनुच्छेद 21 का है कि इसमें शिक्षा का अधिकार है, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह हमारे संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के द्वारा जोड़ा गया है और यह आपातकाल की स्थिति में भी खत्म नहीं होता है। और इसके बाद अनुच्छेद 22 क्या है, अनुच्छेद 22 में यह है कि बंदी की दशा में संरक्षण के
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संबंधित है, गिरफ्तारी से संरक्षण से संबंधित है। और इसके बाद चलिए देखते हैं, इसवी में है आपका ये निवारक निरोध अधिनियम 1950। तो निवारक निरोध अधिनियम 1950 क्या है कि भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। तो निवारक निरोध अधिनियम 1950, भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक अधिनियम निरोध अधिनियम पारित किया था। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछते हैं। और अनुच्छेद 23 में क्या है, अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मनुष्यों के क्रय विक्रय और उसके बेगारी पर रोक है। ये है आपका अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 में क्या है, अनुच्छेद 24 में ये है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या अन्य खतरनाक कामों पर लगाए जाने से मना करता है। और इसके बाद जो है अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में यह है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता में क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपने इच्छा अनुसार मान सकता है। और इसके बाद जो है अनुच्छेद 26 में दिया गया है कि धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता है, मतलब कि धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, व्यक्ति अपने धर्म के लिए से किसी भी संस्थाओं मतलब मंदिर या मस्जिद को बनाने के लिए एवं उसके लिए संपत्ति खरीदने की छूट मिलता है। और इसके अलावा अभी अनुच्छेद 27 और 28 बच जा रहा है, तो इसे अपने टॉप 25 क्वेश्चंस में अपने अगले वीडियो में मैं उसे ऐड कर दूंगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो यह अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इम्पोर्टेंट सूचना यह है कि जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।